रोहतास जिले के नोखा विधानसभा क्षेत्र में जनता ने वोट बहिष्कार करने के लिए संकल्प लिए खड़े हैं। इसी के साथ जनता का कहना है कि विकास नहीं तो वोट नहीं। नीतीश सरकार में हमारे यहाँ कुछ विकास नहीं हुआ है। हम बोले कि हमारे यहाँ रोड नहीं है सर, रोड का बहिष्कार होने का संभावना है, आज तक वीडियो चाहे भी नहीं है। नीतीश सरकार चाहे को भी जो भी विधायक है वो लिखित देगा तो हम लोग वोट देगा। न ही रोड बनेगा तो कभी जिंदगी में पिपरा गांव वोट नहीं देगा। रोहतास जिले के नोखा विधानसभा क्षेत्र में पिपरा गांव पंचायत श्रीखंडा अंचल नोखा की जनता ने वोट बहिष्कार करने के लिए संकल्प लिए खड़े हैं। ग्रामीणों का कहना है कि विकास नहीं तो वोट नहीं का नारा लिया अपने पिपरा गांव के बाहर खड़े हैं। लोगों का कहना है कि कोई भी सरकार हमारे गांव में कुछ विकास नहीं किए है। लोगों का कहना है कि नीतीश सरकार बोल रही है कि हम विकास किए है, क्या विकास किए है, लूट के सिवा कुछ भी विकास नहीं हुआ है। नीतीश सरकार योजना चला रही है, जल नल योजना, हमारे गाँव में बोरिंग और स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है, घर में नल लगा दिया गया है, लेकिन अभी तक सिंटेक्स ऊपर नहीं चढ़ पाया और हम लोगों को पानी पीने को नहीं मिला है। इसी के साथ सारे पैसे लूट लिया गया है, हमारे गांव में रोड भी नहीं है, ना ही नाली गली का निर्माण हुआ है। इसी वजह से हम ग्रामीणों ने वोट बहिष्कार कर रहे हैं। जो भी पार्टी के प्रत्याशी हमारे गांव के विकास करने के लिए लिखित देंगे हम लोग उस पार्टी को वोट देंगे। वोट देने के बाद कोई भी विधायक या सांसद हमारे गांव की तरफ एक बार भी नहीं देखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एचबीएन न्यूज। क्या आपके यहाँ अभी तक नीतीश सरकार में विकास नहीं हो पाया? नीतीश सरकार में हमारे यहाँ कुछ विकास नहीं हुआ है। जो हमारे गांव में रोड का विकास हुआ है, हमारे गांव का जो मुख्य रोड है वो अभी तक नहीं बना। आज मान लीजिए जो नहर है यहाँ पर देरी लग जाएगा तो हमारे गांव के लोग यहाँ से कैसे आएंगे? गली का वही विकास है, नली का विकास वही है। देख रहे हैं कि जल नल योजना जो है उसका भी विकास आप देख रहे हैं खुद की यहाँ क्या हुआ है। इसीलिए हम लोग जनता यहाँ वोट का बहिष्कार, वोट का बहिष्कार मुद्दे को लेके आपने विकास वोट बहिष्कार कर रहे हैं। क्या ये पहले भी आपने ऐसा काम किए हैं? जी हम किए लोकसभा के अभी वोट का बहिष्कार करेंगे। अच्छा, हाँ उस समय भी कोई यहाँ पे मंत्री है और विधायक कोई नहीं आया कि मान लीजिए हम रोड बनवाएंगे। हम लोगों का प्रश्न है कि मान लीजिए रोड बनवाइए, रोड बनवाइए और वोट लीजिए। मैं अभी यहाँ पे वार्ड कमिश्नर साहब खड़े हुए हैं, मैं उनसे थोड़ा आग्रह कर रहा हूँ, बात करना हूँ। आप क्या क्या नाम? हमारा शिव शंकर प्रसाद नाम हुआ। हमारा योजना था, हम लोग में जब स्कूल तक टीचर था वहाँ हम लोग अपना फोन वीडियो से बोल रहे हैं कि आप गाँव में विकास करेंगे, लेकिन आज कभी कभी का काम भी नहीं हुआ। वीडियो साहब आज तक एक्शन भी नहीं लिए कि हम वहाँ जाएंगे आप विकास कराएंगे। लेकिन आए भी तो हम बोले कि हमारे यहाँ रोड नहीं है सर, रोड का बहिष्कार होने का संभावना है, आज तक वीडियो साहब भी नहीं है। कौन यहाँ वीडियो है? यहाँ पर बूथ तक जाने के लिए रास्ता नहीं है। बूथ का प्रशासन आएगा तो किस रास्ते से जाएगा अपना सामान लेकर के, वो भी रास्ता नहीं है यहाँ जाने के लिए। जब ये रोड नहीं था हम लोग के यहाँ बैलगाड़ी की सुविधा थी। जब हम लोग बहुत पहले हम लोग हो सकता है कि हम लोग नहीं भी होंगे उस समय बैलगाड़ी जो चल रही थी उस समय की वो रास्ता है रास्ता है। और उस समय से अभी तक उस रास्ते पर ना मट्टीकरण हुआ ना कुछ हो नहीं हुआ, इसीलिए आप बहिष्कार। हमारे यहाँ जो चुनाव का माहौल आ गया है, हमारे यहाँ जो चुनाव का माहौल आ गया है विधानसभा का, उस पर आप क्या कहते हैं? हम लोग रोड बन जाएगा, नीतीश सरकार चाहे को भी जो भी विधायक है वो लिखित देगा तो हम लोग वोट देगा। बनवाने के लिए लिखित देगा नहीं बनेगा तो नहीं वोट देगा। आप बाबा कुछ करें जो लाल मुनि के दुकान से सिंचिंदा से जुड़ो बीच में जो रोड के लिए जो लड़ाई ले रहे हैं उस रोड बन जाने से 6-7 गांव का हम लोग का लाभ होगा उस रास्ता से आने जाने का। और उसमें बैल गाड़ी जोड़ा जोड़ा से बेसी आने जाने
पार हो रहा था, आज 65-66 से रोड बंद कर दिया गया। नहर से हम लोग जाते हैं तो कभी बैरियर लगाने का अधिकार हो जाता है, कभी कुछ होता है, तो उसी रोड से हम लोग आते जाते सारा सामान अपना धान चावल को चाहे जो कुछ हो उसी रास्ते से हम लोग गुजर रहे हैं। बैलगाड़ी चलाते थे? बैलगाड़ी चल रहा था, 7 गांव 8 गांव का आना जाना उसी रास्ता से था, और उसी रोड के लिए हम लोग लड़ाई ले रहे हैं कि रोड बन जाएगा तो हम लोग वोट देने का अधिकारी भी बन जाएंगे, और न ही रोड बनेगा तो कभी जिंदगी में पिपरा गांव वोट नहीं देगा। तो इस पे वोट बहिष्कार पर अमल है? हाँ अमल है, बहिष्कार होगा तो अभी रोड बनेगा नहीं बनेगा तो नीतीश सरकार को हम लोग अच्छा नहीं कहेंगे, इसीलिए उसको हम लोग मुख्यमंत्री बनाए हैं कि हम लोग का देख रेख करेगा, जनता को सेवा करेगा, रोड को मान्यता देगा। क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे HBN News।